सो व्हाट्स अप फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज हम रिव्यू करने वाले एक मैकेनिकल कीबोर्ड का, जिसका नाम है भाई CBGK18 फायरफ्लाई मैकेनिकल कीबोर्ड। सो ये कीबोर्ड भाई काफ़ी फेमस कीबोर्ड है। सो मैंने सोचा भाई खुद के लिए मैं ये बाय कर लेता हूँ और भाई आपको एक रिव्यू देता हूँ भाई कैसा कीबोर्ड है और कैसा नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रंट से कीबोर्ड का बॉक्स कुछ इस टाइप का दिखता है और आपको फ्रंट में ही आपको काफ़ी सारी चीज़ मेंशन की गई है, जो कि ब्रेडेड केबल्स, USB इनपुट, ऑल की एंटी घोषणी के ऊपर अपना CBGK18 फायरफ्लाई का भाई ब्रांडिंग और बीच में भाई फोटो दी गई है और भाई मैकेनिकल कीबोर्ड टेक्टाइल रिएक्टिव का भाई दिया गया लोगो, RGB और कॉम्पैक्ट डिजाइन और मेटल अप प्लेट। और एक इसमें अच्छी बात है कि ये ऑल की एंटी घोषणी के साथ आती है और ऊपर में भाई स्विच टू गॉड मोड दिया गया है भाई और साइड में आपको CB का लोगो, मतलब कॉसमिक बाइट का अपना लोगो दी गई है। सो इनसाइड बॉक्स हमें कुछ देखने को नहीं मिलती है, बस एक कीबोर्ड देखने को मिलता है, जो कि एक ख़राब बात है। ना कोई यूज़र मैनुअल, ना की पुलर्स। क्या भाई क्या कर रहे हो। सो लेट्स टॉक अबाउट बिल्ड क्वालिटी ऑफ दिस कीबोर्ड। सो बेस हमें मिलती है प्लास्टिक की पूरी बेस नीचे वाली, जो कि इस प्राइस रेंज पर ठीक है यार। और आपको नीचे एक हिंज मिल जाता है, जिससे कि आपकी कीबोर्ड थोड़ी सी एलिवेट होने वाली है। और साइड में आपको रबर ग्रिप्स मिल जाती है, जो कि आपको इंश्योर करेगी कि आप लॉन्ग सेशन तक गेमिंग के वक्त कीबोर्ड अपने आप ना हिलें। अब बीच में आपको सील की और कॉस्मिक बाइक का लोगो दिया गया और भाई ऊपर क्वालिटी पास स्टिकर दी गई है, जो कि दिसंबर वाली है मेरी। और ऊपर में आपको कंप्लीट मेटल बिल्ड मिलती है, ऊपर की प्लेट जो है कंप्लीट मेटल है, बट वो प्लास्टिक टाइप की दिखती है बट वो एक्चुअली मेटल है। साइड से हमें कीबोर्ड कुछ इस टाइप का दिखता है और मैंने फिंजेस खोल के रखी, सो हमारे कीबोर्ड थोड़ी सी एलिवेट है क्योंकि मैं इस स्टाइल को प्रीफर करता हूँ। और बिल्ड क्वालिटी ऑफ दिस कीबोर्ड केबल्स आर सुपर्ब, एकदम काफ़ी थिक केबल्स यूज किए गए हैं इसमें और प्लस ब्रेडेड केबल्स यूज किए हैं। और भाई बस एक ख़राब अलग लगा कि भाई USB कुछ गोल्ड प्लेटेड मिल जाता तो ठीक है भाई, मतलब नहीं भी मिला चलो ठीक है भाई इस प्राइस रेंज में भाई कितनी चीज़ डालेंगे, चलो ठीक है। और इस कीबोर्ड में हमें कीकैप्स काफ़ी एवरेज सा मिलता है, नॉट टू गुड नॉट टू बैड। और ये कीकैप्स डुअल प्लास्टिक का बना हुआ है, दो लेयर प्लास्टिक का, जिससे कि आपकी प्रिंट्स डिसअपीयर नहीं होने वाली लॉन्ग रन में भी। की फ्रंट्स इस कीबोर्ड में काफ़ी गेमिंग सेंट्रिक यूज की गई है, सो कुछ लोगों को ये की फ्रंट्स काफ़ी अच्छे लगने वाले हैं और कुछ लोगों को नहीं भी लगेंगे। सो ये कीबोर्ड रेड स्विचेस के आता है, जो कि आता है ऑप्टिमो की तरफ से। और आपको डिफरेंट टाइप ऑफ स्विचेस के बारे में जानना है तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। तो गाइस इस प्राइस में भी ये कीबोर्ड सॉफ्टवेयर सपोर्ट के साथ आता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। सो चलते डायरेक्ट सॉफ्टवेयर पे, मैं दिखाता हूँ क्या है सॉफ्टवेयर। सो ये रहा CBGK16 सॉफ्टवेयर, चलिए इसको रन करते हैं। और ये हमने रन किया, यस। और ये ओपन होने वाला है कॉसिंग बाइट का अपना सॉफ्टवेयर। सो यहाँ आप की से कुछ कस्टमाइजेशन मैक्रो की अपना बना सकते हैं खुद का। और भाई यहाँ से होती है कीबोर्ड कस्टमाइजेशन स्टार्ट। सो मैं अभी स्टैटिक कलर पे लगाया हुआ, जो कि पर्पल है। सो आप चाहे तो भाई कोई भी कलर लगा सकते हो, मैं ब्रीदिंग इफेक्ट लगाता हूँ। तो ये रही मेरी ब्रीदिंग इफेक्ट लगने वाली, जो कि रेड कलर की होने वाली है। सो ये रही हमारी रेड कलर की ब्रीदिंग इफेक्ट, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है, मेरे को पर्सनली अच्छी लगती है। आप कलर अपने इसमें काफ़ी सारे कस्टमाइज कर सकते हो, बस इसका एक ही अच्छा पॉइंट है कि आप जो फंक्शन और इंसर्ट्स अपना जो चेंज करते हो, वो आप डायरेक्टली इस सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हो, बट ये सॉफ्टवेयर आपको ईजिली मिलेगा नहीं। तो सो मैं इसका डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगा, डाउनलोड लिंक, जहाँ कि आप कॉसिंग बाइट के सारे सॉफ्टवेयर्स आप एक्सेस कर सकते हैं इजीली। सो इस सॉफ्टवेयर में जितने सारे मोड्स दिए हुए हैं, सारे वर्किंग कंडीशन में सारे वर्क करते हैं इस कीबोर्ड में, और आप आराम से कस्टमाइज कर सकते हो। आप खुद का कलर तो नहीं बना सकते, लेकिन जितने भी चीज़ है उसमें आप खेल कूद सकते हो। और यहाँ आप लोग प्रोफाइल बना सकते हो, जिससे कि आप एक सिंगल क्लिक से अपना हर चीज़ प्रोफाइल, मतलब जस्ट लाइक आपको जो बनाना है बना कर प्रोफाइल सेव कर लो और भाई एक क्लिक करो उस प्रोफाइल पे और भाई वो कीबोर्ड के प्रोफाइल पे लग जाएगा, दैट्स इट। तो एक सॉफ्टवेयर सपोर्ट भाई GK16 में था, तो ये भाई 18 में भी सपोर्टेड है। सो आराम से इस कीबोर्ड को ले सकते। सो मेरे से कुछ लोगों ने पूछा था भाई चीप कीबोर्ड और भाई मैकेनिकल कीबोर्ड या मेम्ब्रेन कीबोर्ड में क्या डिफरेंस पड़ता है, तो भाई काफ़ी डिफरेंस पड़ता है। आप इसमें खुद देख सकते हो, ये मेम्ब्रेन कीबोर्ड है जिब्रोनिक की तरफ से। देखो आप कंट्रोल बटन मैं दबा रहा हूँ भाई साइड से, लेकिन दब नहीं रहा भाई, अटक जाती है, देख रहे हो, समझ रहे हो ना।
और ये रही भाई मैकेनिकल की रोड, बस जहाँ से भी दबाओ भाई, कुछ भी करो भाई, प्रेस होनी ही होनी है, वो भी स्मूथली होगी। सो यही डिफरेंस पड़ती है भाई मेम्ब्रेन और मैकेनिकल की रोड में। तो भाई ऑलवेज गो फॉर मैकेनिकल, मेम्ब्रेन भी अच्छी होती है भाई नो डाउट, बट मैकेनिकल इज़ द बेस्ट वन। सो गाइस तुम लोग तो सोच रहे हो कि भाई इस कीबोर्ड में कोई बुराई है ही नहीं भाई, सब चीज़ अच्छी कीबोर्ड भाई, पूरी फेवर में हो, लेकिन भाई ऐसा भी नहीं भाई, कुछ कुछ चीज़ें मेरे को इस कीबोर्ड में भी बुरी लगी। मतलब कहा जाता है भाई नो वन इज़ परफेक्ट, तो भाई सही बोला जाता है भाई, कोई परफेक्ट नहीं है। सो पहला डिमेंट मेरे को ये लगा कि भाई जो लॉन्ग कीज़ होते हैं स्पेस बार या फिर शिफ्ट, उसके की सपोर्टर्स काफ़ी अच्छे दी जा सकती थी भाई। आप ऐसा देख सकते हो कि भाई की थोड़ी सी वॉबल होती है, तो ये नहीं होती तो थोड़ी सी और अच्छी लगती यूज़ करने में नो डाउट। सेकेंड थिंग मेरे को इस कीबोर्ड में लगी कि भाई जो कि प्लास्टिक बेस आई हुई है भाई, उसकी फिनिश बहुत ख़राब थी, मतलब ख़राब है, अनफिनिश्ड आई हुई है, साइड में जितने प्लास्टिक थे वो एक्स्ट्रा निकली हुई है, जो कि कट नहीं हुई और पॉलिश नहीं हुई, तो भाई थोड़ी सी अजीब फिनिश देती है, मतलब हाथ से छुओगे तो भाई अनइवन सरफेस लगता है। तो भाई कॉस्मिक वाइट प्लीज़, अगर आपको वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ पॉलिश करके भेजो यार, अच्छा लगता है भाई, बस थोड़ी सी सैंड पेपर तो मारनी पड़ती है, उसमें क्या हो जाएगा तेरा। सो इस कीबोर्ड की वेट मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा लगी पर्सनली, तो ये भाई एक डाउनसाइड तो नहीं बोल सकता, बट मैं बता रहा हूँ भाई मेरे को पर्सनली इसकी कीबोर्ड की वेट थोड़ी सी ज़्यादा लगी बस। सो लेट्स टॉक अबाउट स्विचेस। सो मार्केट में काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्विचेस अवेलेबल है, सो आप कन्फ्यूज हो सकते हो भाई कौन सा स्विच लूँ। सो मोस्ट कॉमन तीन स्विचेज अवेलेबल है मार्केट में, ब्लू, रेड, ब्राउन। सो लेट्स टॉक अबाउट ब्लू स्विचेज। सो ब्लू स्विचेज टैक्टाइल प्लस क्लिकी होते हैं, तो जब भी आप की प्रेस करोगे यू गोना फील आपने की प्रेस किया है, प्लस क्लिकी साउंड भी रिलीज होगा उसके साथ। एंड ब्लू स्विचेज थोड़ा ज़्यादा फोर्स लेता है रजिस्टर होने में एज़ कम्पेयर टू अदर स्विचेज, और मैं प्रीफर करूँगा ब्लू स्विचेज जिन लोगों को जो कि जिसके पास पर्सनल रूम है, या फिर रात को पापा मम्मी अलग सोते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली भाई, कीबोर्ड पे आप हथौड़ी मारो या कुछ भी साउंड उसे रिलीज हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, तो भाई आप ब्लू स्विच के साथ जाओ, कभी बोर्ड फील नहीं होगा। सो लेट्स टॉक अबाउट ब्राउन मुंडे, आई मीन ब्राउन स्विचेज। ब्राउन स्विचेज टैक्टाइल होते हैं ब्लू स्विचेज जैसा ही, बट क्लिकियर नहीं होते हैं, आई मीन आप जब भी की प्रेस करोगे तो आप टैक्टाइल फीलिंग तो आपको मिलेगी, बट साउंड उससे काफ़ी कम रिलीज हो गई एज़ कम्पेयर टू ब्लू स्विचेज। तो जिन लोगों को भाई साइलेंट कीबोर्ड पसंद है, वो भाई ब्राउन स्विचेज की तरफ प्रीफर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें टैक्टाइल फीलिंग भी मिलेगी आपको, प्लस साउंड भी कम रिलीज होगा। नॉट टॉक अबाउट रेड स्विचेज। सो रेड स्विचेज टैक्टाइल भी नहीं होती और क्लिकर भी नहीं होती, ये बहुत स्मूथ होती है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि भाई आपने कब की प्रेस कर दी और वो एक्टिवेट भी हो गई है। इसमें आपको की प्रेसिंग के लिए फोर्स काफ़ी कम लगाना पड़ता है, प्लस इसका एक अच्छा बात है कि आपको साउंड बहुत कम रिलीज होता है। तो भाई जिसको साइलेंट मतलब और साइलेंट चाहिए, ब्राउन स्विचेस टैक्टाइल नहीं चाहिए, हर चीज़ नहीं चाहिए भाई, स्मूथ की चाहिए, साइलेंस चाहिए, तो भाई आप रेड स्विचेस ले लो, खुश हो जाओगे। और आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग कौन सा स्विचेस प्रीफर करोगे तीनों में से, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, और हो सके तो भाई फैला दो वीडियो को। साइनिंग ऑफ, बाय बाय। फंक्शन ऑफ फंक्शन, ये देखो कलर अतरंगी और गिरगिट वाला कलर, गिरगिट वाला। I can